यहाँ हवा में धुआं है और फिजा में जहर, जिंदगी लग रही हो जैसे हो कहर। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो क्यों ना अपनी जिंदगी को सवारे और एक कदम बढ़ाए प्रकृति की ओर। वो भी एक दौर था जब घर आंगन के बाहर आकर सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती थी, हो गई है भोर, ये गोरैया बुला बुला कर सबको बताती थी। लेकिन आज वो दिन शायद फिर नहीं आते। अब घर के बाहर गोरैया नहीं आती, भोर हमें नहीं भाती। वो गोरैया का खिलखिलाना, वो आंगन का चहकना, वो घर में खुशियों का महकना शायद अब नजर नहीं आता। कारण यही है कि हमने गोरैया के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। बढ़ता प्रदूषण और शायद हमारा स्वार्थ, जिसके कारण गोरैया लगातार विलुप्त हो रही है। लेकिन गाजियाबाद में रहने वाले निर्मल शर्मा जी के घर आज भी वही दौर जिंदा है। आज भी उनके घर गोरैया चहचहाती है, आज भी उनके घर में भोर बिल्कुल वैसे ही आती है, क्योंकि उन्होंने एक कदम बढ़ाया प्रकृति की ओर। आइए जानते हैं उनकी कहानी। गौरैया देखिए, सूर्योदय होते ही गौरैया आ जाती है। मोस्टली जब इनके बच्चे होते हैं तो उस टाइम इनकी जो मम्मी होती है गौरैया, मादा गौरैया, बहुत मेहनत करती है। सुबह में ही खेतों में जाना, खेतों में क्योंकि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बहुत हो रहा है, इसलिए कीट भी नहीं रहे, तो हम लोग इसी पेड़ पर बैठती है। इस तरह के मैंने 5 पेड़ बनाए हैं, देखिए, सूखी पेड़ के डालियों को ले आ करके लोहे के तार से मैंने बांध दिया है। आदमी जो है, मनुष्य प्रजाति, तो ड्राइंग रूम में बैठता है, लेकिन गौरैया ड्राइंग रूम में तो बैठेगी नहीं। तो गौरैयों के लिए सुविधा के लिए बैठने के लिए मैंने पेड़ के डालियों को गौरैया के लिए नेचुरल ड्राइंग रूम बना दिया है। और इस पर कुछ देखिए, ये फूल भी है, देखिए खिला भी है, देखिए बेला है, ये तो इस पर मतलब पौधे भी चढ़ा दिया मैंने। देखिए सामने गुल मोहर का पेड़ मैंने लगा दिया, बोगनविलिया का है, तो लगभग मेरे बागवानी हमेशा खिली रहती है। मुझे गाजियाबाद फ्लोरल सोसाइटी ने प्रथम पुरस्कार भी दिया इसी के लिए। तो ये है, देखिए गौरैयों के लिए पानी का इंतजाम मैंने किया है। देखिए यहाँ पानी दिख कर गया है, ये देखिए पानी पीती हैं यहाँ। अच्छा, डेली लगभग इसको साफ करके और मैं रख देता हूँ। कई बर्तन है, आपके पीछे भी बर्तन है, देखिए वहाँ भी बर्तन है, वो जिसमें हलवाई दही जमाता है बड़ा सा कुंडला, उसमें मिट्टी के बर्तन में रखते हैं ये इसमें हम पौधे लगाएंगे। हाँ, जैसे देखिए पौधा लगा है, और देखिए ये घोंसला है। देखिए साहब, बहुत सिंपल तरीका है मेरे बनाने का। एक डब्बा है, तो डब्बे में लगभग 1.25 इंच का छेद गोल करते हैं, और यहाँ 1.25 इंच का छेद करने का कोई खास कारण? खास कारण ये है कि अगर बड़ा छेद करेंगे तो ठीक हो रही है, जैसे मैना है या एक चिड़िया और होती है, वो कब्जा कर लेगी। अच्छा। तो इसलिए उसी साइज का आपको रखना है, 1.25 इंच 1.5 इंच के बीच में, ताकि गौरैया ही घुसे। अच्छा। अगर ज्यादा बड़ा करेंगे तो कौवा बाज बच्चों को खींच लेते हैं। ये तार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सटरिंग वायर है। गौरैया जब आती है दूर से तो इस पर बैठती है, सर्वे करती है, देखती है इधर उधर कोई दुश्मन तो नहीं है, फिर अंदर झांकती है। उसके बाद इस पर बैठ कर अंदर देखती है। हाँ, तो उसके बाद जब इसके बच्चे होते हैं तो इसी पर बैठ के खाना खिलाती है। आपको नीचे दिखाएंगे, बच्चे हैं वहाँ खाना खिला भी रही है, तो आप नीचे करिए। और देखिए ये पीछे तार है, तो तार से ये है कि दीवार में आप ऐसे लगा देंगे तो ये रुक जाएगा ऐसे, और दोनों तरफ किल्ट घूम करके लगा दीजिए। देखिए एक सामने है घोंसला, एक इधर है, एक इधर है, तो इसका फायदा, क्योंकि गौरैया लड़ाई बहुत करती है, अगर आसपास ही करेंगे तो खूब लड़ती है, हो सकता है इधर से दूसरा फैमिली करे, क्योंकि तील लगाने में अक्सर होता है। मतलब आपने जो बॉक्स है ये अंदर से डिवाइड किया हुआ है? बिल्कुल डिवाइड है। ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, बिल्कुल थ्री रूम सेट है ये। थ्री रूम सेट।
ये आपको हम दे रहे हैं, उपहार में दे रहे हैं। आप अपने घर लगाइए। और हम चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में कम से कम हर एक लोग इस गौरैया विलुप्त होती थी नन्ही मुन्नी परिवार की सदस्य के लिए एक घर जरूर बनावे अपने छज्जे के नीचे, ताकि वो बिल्ली सांप नेवला चिचुंदर से सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा दुश्मन इसका बाज है। लेकिन आप गिलहरी को बहुत निरापद समझते हैं, निष्क्रिय समझते हैं, वो इसके बच्चों को खा जाती है। मैंने देखा है उसका गला फोड़ करके खून पी रही है, गिलहरी जिसको कहते हैं। गिलहरी तक बहुत खतरनाक है गौरैयों के लिए, छोटी सी अदना सी प्राणी है। 24 ग्राम वजन होता है, सिर्फ 24 ग्राम, 23 ग्राम, 25 ग्राम यही वजन होता है। कितनी जान है, आकाश में उड़ने से हम लोगों ने रोक दिया इसे, रेडिएशन से घर से बेघर कर दिया। घर में जगह नहीं है। पुराने जमाने में खपरेले होते थे, ईंट के मकान होते थे, मिट्टी के, उसमें लगाती थी वो, लेकिन छतों में कहाँ जगह है। 35 मंजिल 30 मंजिल बिल्डिंग है, कहीं जगह नहीं है। किसान अब स्प्रे कर देता है कीटनाशकों का, खाना रोक दिया आपने, पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि पानी कहीं पीने के लिए नहीं है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि कम से कम गौरैया के लिए साफ कटोरी में पानी दिया जाए, इतना तो कम से कम करिए, नहीं तो ये भी मॉरिशस के डोडो पक्षी जैसे विलुप्त हो जाएगी। अपनी अपनी प्यारी सी भोली सी अदना सी नन्ही सी पारिवारिक सदस्य गौरैया, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि सुबह तबीयत प्रसन्न हो जाती है। हमें गौरैया ही जगाती हैं, सुबह सुबह 6 बजे पहुँच जाते हैं। परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्रेरित करता है, और मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी बहू गौरैयों को दाना भी देती है, पानी भी देती है, मेरे बागवानी में पानी भी देती है, सिंचाई कर देती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी श्रीमती जी बहुत प्रेरणा देती हैं मुझे, और मेरे बेटे अभी मेरे लिए 30,000 का कैमरा गिफ्ट किए, क्योंकि मैं अभी तक जितना यूट्यूब पर मैंने पिक्चर अपलोड किया है सब अपने मोबाइल कैमरे से ही। स्पष्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो कैमरा आया है वो बहुत साफ साफ तस्वीर खींच करके वीडियो अपलोड, मैं अब तक 668 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ चिड़ियों से संबंधित। हम दुनिया के सभी लोगों से ये विनीत भाव से निवेदन करना चाहेंगे और चाह रहे हैं कि कम से कम आगे अपना घर बनाएं तो उसमें एक परमानेंट गौरैयों के रहने के लिए एक घोंसले लायक जगह छोड़ें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी लकड़ी के, किसी टिन के, किसी गत्ते के डब्बे को गौरैया का घोंसला का रूप दे करके ऊंचाई वाले स्थान पर उसको दुश्मनों से सुरक्षित जगह पर टांगें, और कम से कम एक कटोरी पानी साफ सुथरा डेली भर दें, और चावल या रोटी का बचा हुआ ही पार्ट फेंकें नहीं, बाहर न फेंकें, उस छोटे छोटे टुकड़े करके छत पर या खुली जगह पर उसको बिखेर दें। पिताजी को मैं बचपन से ही गौरैया संरक्षण और बागवानी करते हुए देखता था। वो छोटे से ही अपने छोटे स्तर पे ही सही घोंसले और उनका सपोर्ट करते थे, जिससे बहुत सारी चिड़िया हमारे घरों के आसपास हो गई थी, चहचहाट रहती थी, एक प्राकृतिक माहौल रहता था। मुझे भी लगा था मुझे अपना योगदान करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक कैमरा लिया जिससे वो अब अच्छी फोटो और वीडियोस बना सकते हैं और लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज प्राकृतिक दिवस है, आप भी अपना योगदान दें, और अगर हम भविष्य के लिए आज नहीं सोचेंगे तो कल हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। शादी के बाद से ही मैंने देखा है, शुरू से ही करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, इनको देख के गौरैया का घोंसला बनाना करना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे 2 बच्चे हैं, इतने सारे गौरैया हैं सब, हमारे 2 ही बच्चे नहीं बहुत सारे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है सुबह शाम चीची चीची दिन भर गौरैया की आवाज़ सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पति देख ये इस तरह का काम करते हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि सारे लोग ऐसे ही करें और गौरैया को आगे बढ़ाएं। क्या गौरैया जिसको कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे ही नहीं हैं, एक परी ही नहीं है, जितनी गौरैया हैं सब मेरी बच्ची हैं। वो तो मेरी श्रीमती जी को चीची नहीं कहती, वो चाची चाची कहती हैं। मैंने साफ साफ सुना है उनकी भावनाओं को कि वो चाची चाची कहने लगी हैं और चीची नहीं कहती।